Hello everyone. So in this lecture, I will be talking about group 16 element or ऑक्सीजन फैमिली और इन्हीं को बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजन बोलने का इनको एक कारण है। चैल्कोजन बोलने का कारण यह है कि चैल्को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है ब्रास के लिए। ब्रास का ग्रीक नेम है चैल्को। अब ब्रास में होती है आपके पास में कॉपर, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है कि ये जो कॉपर के मोस्ट ऑफ द जो मिनरल्स होते हैं, कॉपर के जो मिनरल्स होते हैं वो सल्फाइड मिनरल्स होते हैं, सल्फर के साथ सल्फाइड होते हैं। कॉपर के जोड़स होते हैं, जैसे आपके पास में Cu2S हो गया, CuS हो गया, CuFeS2 हो गया, ठीक है। या तो सल्फाइड ओर्स होते हैं कॉपर के मिनरल्स, या फिर आपके पास में सल्फर नहीं तो इसी के सेलेनियनाइड हो सकते हैं, टेल्यूराइड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते कि कॉपर के जो मिनरल्स होते हैं उनमें सल्फर या इसी के और मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द रीज़न कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स को नाम दिया गया है क्या, चैल्कोजेंस। ऑक्सीजन इस फैमिली का हेड है और ग्रुप 16 में ये प्रेजेंट है। देखते हैं ग्रुप 16 कहाँ पे है। तो आप पीरियोडिक टेबल की यदि बात करो तो पीरियोडिक टेबल के ये हो गई आपके पास इस टाइप से, हो गई पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, और ये जो लोअर पोर्शन हो गया वो हो गया आपके पास में एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के 28 एलिमेंट, 4F के 14 और 5F के भी 14। ये हो गया आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हो गया आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये हो गया आपके पास में पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट ग्रुप हो गया वो 13, 14, 15 देन 16 और 17 और देन 18। तो ये जो ग्रुप 16 है ये है ऑक्सीजन फैमिली, इससे तुरंत पहले नाइट्रोजन फैमिली और इसके तुरंत आगे हैलोजन्स, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो जो इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो है आपके पास में सेकंड पीरियड में ऑक्सीजन, थर्ड पीरियड में सल्फर, फोर्थ में सेलेनियम, फिफ्थ में टेलुरियम, सिक्स्थ में पोलोनियम, और इसके जो नीचे वाला है वो अभी तक नेचर में डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो एलिमेंट्स आपके पास में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ग्रुप 16 में। तो इनको हम वन बाय वन पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन एलिमेंट्स की हम बात करेंगे किसकी, अबंडेंस की। तो अबंडेंस वाइज बात करूँ तो अबंडेंस वाइज सबसे पहले मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन अर्थ क्रिस्ट। अर्थ क्रिस्ट में मोस्ट एलिमेंट अबंडेंट एलिमेंट है। किस किस फॉर्म में है ये, सिलिका के साथ में है, SiO2 में है, ये सी वाटर में है, H2O जो है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। और बहुत सारी अदर ओर्स जो हैं उनमें ये प्रेजेंट है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में जो मार्बल वगैरह या लाइमस्टोन जो होता है उसमें ये प्रेजेंट है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रिस्ट पे। अर्थ क्रिस्ट का 46.6% बाई मास फॉर्म करता है, 46.6% बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एयर में सेकेंड नंबर पे 21% बाई वॉल्यूम जो है वो ऑक्सीजन है, और 21% बाई वॉल्यूम इज ऑक्सीजन एयर का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो इन एलिमेंट्स में से जो सेकंड नंबर पे आता है अर्थ क्रस्ट में वो है आपके पास में सल्फर। सल्फर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है आपके पास में सल्फाइड ओर्स में, सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में जैसे PbS, गैलेना सल्फाइड ओर है, ZnS जिंक ब्लेंड सल्फाइड ओर, इसमें सल्फर प्रेजेंट है आपके पास में HgS, सिनेबर CuFeS2, कॉपर पाइराइट, ये तो हो गई आपके पास में सल्फाइड ओर्स। इसके अलावा सल्फेट की फॉर्म से में प्रेजेंट है, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके पास में जिप्सम की फॉर्म में CSO4.2H2O जिप्सम, ये प्रेजेंट है आपके पास में इप्सम सॉल्ट,
MgSO4 डॉट 7H2O, इप्सम सॉल्ट में ये प्रेजेंट है, इप्सम सॉल्ट ये प्रेजेंट है बेराइटा BaSO4 बेराइट, इन फोर में ये सल्फर प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वल्केनोज होता है, वोल्केनोज में निकलती है कौन सी गैस, H2S गैस, तो वोल्केनिक इरप्शन से H2S गैस आती है, वो भी थोड़ा बहुत आपके पास में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में गार्लिक में एग्स में प्रोटीन्स के अंदर सल्फर होता है, समटाइम्स प्रोटीन्स के अंदर सल्फर होता है आपके पास में, ठीक है। ऑनियन में, मस्टर्ड में, हेयर में और वूल में, ठीक है, इन चीज़ों में सल्फर प्रेजेंट होता है। मेनली जो प्रेजेंट होता है इन सब चीज़ों में, उनके अंदर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की फॉर्म में सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो ऑक्सीजन और सल्फर की अबंडेंस की बात हो गई, उसके बाद में अबंडेंस की बात करते हैं किसकी, सेलेनियम और टेलुरियम की। तो जो सेलेनियम प्रेजेंट होता है वो सेलेनाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब सेलेनियम प्रेजेंट होगा Sc2- सेलेनाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और टेलुरियम जो प्रेजेंट होगा वो टेलुराइड मतलब Te2- की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम जो होता है वो डीके प्रोडक्ट होता है, किसका डीके प्रोडक्ट होता है, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का प्रोडक्ट होता है, डीके प्रोडक्ट होता है किसका, यूरेनियम और थोरियम का डीके प्रोडक्ट होता है, कौन है, पोलोनियम, ठीक है। तो इसका कोई इतना ज़्यादा अबंडेंस नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी अबंडेंस की बातें, अब हम इनकी 1x1 प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इनकी बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप इनकी पोजीशन देखिए, पीरियोडिक टेबल में कहाँ इनकी पोजीशन है, तो इनकी पोजीशन है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये ग्रुप 16 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ है, इससे पहले दो इलेक्ट्रॉन तो फिलअप हो चुके हैं एस में, और पी के अंदर बात करूं तो 13 के लिए 1, 14 के लिए 2, 15 के लिए 3 और 16 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में पी में। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आपके पास में NH2 NP4, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP4, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो सबका आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो सबका एक बार डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आपके पास में Hc2S2 2P4। सल्फर की बात करें तो नियॉन 3S2 3P4, सेलेनियम आर्गन 4S2 3D10 और 4P4, टेलुरियम क्रिप्टॉन 5S2 4D10 5P4 और पोलोनियम जिनॉन 6S2 4F14 5D10 और 6P4, ये होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के भी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सभी के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सेलेनियम के भी ये 2 और 4 वैलेंस सेल, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके अलावा सेलेनियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स 3D के इनर कोर में एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, टेलुरियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स 4D के इनर कोर में प्रेजेंट है, और पोलोनियम में टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स इनर कोर में प्रेजेंट हैं, 14 तो हैं 4F में और 10 है आपके पास में 5D में। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है इनकी एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो एटॉमिक और आयनिक साइज की बात करें तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप इन में मूव करोगे, डाउन द ग्रुप मूव करने पे एटॉमिक साइज होगी इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। तो इनका जो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस की यदि मैं बात करूँ, तो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस होगा वो होगा 66 पिकोमीटर, देन 104 पिकोमीटर, 117 पिकोमीटर आपके पास में, देन 137 पिकोमीटर और 146 पिकोमीटर। तो बिना किसी एक्सेप्शन के
कोवेलेंट रेडियाई जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब इस कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीज कर रही है, इसमें एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जब ऑक्सीजन से सल्फर पे आप मूव करते हो तो 38 पिकोमीटर का इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट की जो साइज़ होती है वो एक्सेप्शनली स्मॉल होती है। और जब सल्फर से आप सेलेनियम पे की तरफ मूव करते हो तो ओनली 13 पिकोमीटर का इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज कम हुआ लेकिन इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद में जब आप सेलेनियम से टेलुरियम पे जाते हो तो 20 पिकोमीटर का इंक्रीज होता है, तो मतलब इंक्रीज थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और जब टेलुरियम से आप पोलोनियम पे जाते हो तो अगेन इंक्रीज हुआ है केवल 9 पिकोमीटर। तो साइज इंक्रीज तो हो रही है लेकिन इरेगुलरली इंक्रीज हो रही है, इस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, ऑक्सीजन से सेलेनियम में अच्छा खासा इंक्रीज होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पीरियड की साइज जो होगी एक्सेप्शनली स्मॉल होगी। सल्फर से सेलेनियम पे जो कम इंक्रीज आया 13 पिकोमीटर, इसका कारण है आपके पास में ये, सल्फर से जब आप सेलेनियम पे जंप करते हो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D के ये इम्प्रॉपर शील्डिंग देते हैं, और इम्प्रॉपर शील्डिंग देंगे तो ये 4p के 4 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींच जाएंगे, तो साइज कम होना चाहिए। लेकिन एक एक्स्ट्रा सेल आ चुकी है, ऊपर सल्फर में 3 सेल हैं और सेलेनियम में 4 सेल हैं, तो एक्स्ट्रा सेल के चलते साइज बढ़ना भी चाहेगी, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि साइज इंक्रीज तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा साइज इंक्रीज नहीं हो पाती है, तो इसलिए केवल 13 पिकोमीटर का इंक्रीज। लेकिन जैसे ही आप सेलेनियम से टेलुरियम की तरफ मूव करते हो अगेन इंक्रीज ज़्यादा हुआ, 20 पिकोमीटर का हुआ। कारण यह है क्योंकि सेलेनियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स 3D के हैं और टेलुरियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स 4D के हैं, तो जो इम्प्रॉपर शील्डिंग है या इम्परफेक्ट शील्डिंग है वो सेलेनियम में भी प्रेजेंट है और टेलुरियम में भी प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद में जो बात आती है, जब टेलुरियम से पोलोनियम की तरफ मूव करते हो तो अगेन साइज में इंक्रीज कम हो गया, साइज इंक्रीज तो की लेकिन इंक्रीज जो हुआ वो कम हुआ, और कारण इसका यह है कि पोलोनियम के केस में और ज़्यादा इम्परफेक्ट शील्डिंग है, किसकी, 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4f, ठीक है। तो ये यहाँ से इम्परफेक्ट शील्डिंग है, ठीक है, 5d के एडिशनल में ये 14 इलेक्ट्रॉन और आ गए जिनकी इम्परफेक्ट शील्डिंग है, जिसके चलते साइज इंक्रीज तो होती है लेकिन इंक्रीज इन साइज जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास में इनकी एटम कोवेलेंट रेडियस की बातें। अच्छा, आयनिक रेडियस की बात करूँ तो सब ये सारे के सारे आपके पास में -2 में आयंस फॉर्म करते हैं, तो -2 में जब आयंस ये फॉर्म करेंगे आपके पास में तो ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन का जो साइज होगा वो होगा 140 पिकोमीटर, और इसका H2- का होगा आपके पास में 184 डाउन द ग्रुप O2, ये जो E2- करके जो आयन्स बन रहे हैं, एनायन जो बन रहे हैं, इनकी भी साइज इंक्रीज करती जाएगी। Sc2- की होगी आपके पास में 198 पिकोमीटर, और Te2- की होगी आपके पास में 221 पिकोमीटर, और उसके बाद में PO2- जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, क्योंकि PO2- इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये होती है आपके पास में 230 पिकोमीटर। कहने का मेरा मतलब ये है कि साइज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, साइज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। दूसरा चीज़ ये होता है कि जो E2- होता है, जो एनायन होता है, उसकी साइज पेरेंट एटम से बड़ी होती है, कैटाइन की छोटी होती है। जितना ज़्यादा कैटाइनिक चार्ज आता जाएगा साइज उतना ही कम होता जाता जाएगा, और जितना ज़्यादा एनायनिक चार्ज होगा साइज उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हो गए इनके आयनिक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बातें। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वह आएगी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, S2 और P4, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो रहेगी इनका IE1 कुछ ना कुछ होगा, IE1 से ज़्यादा होगा IE2, IE2 से ज़्यादा होगा IE3, और IE3 से ज़्यादा होगा IE4, तो 4 इलेक्ट्रॉन तक निकलेंगे, तो P से 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। उसके बाद में जब फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की बात करोगे तो वो कुछ ज़्यादा होगी, बिकॉज अगला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो S से निकलेगा, फिफ्थ ज़्यादा होगी, सिक्स फिर फिफ्थ से ज़्यादा होगी, और सेवन्थ एक्सेप्शनली हाई होगी, क्योंकि सेवन्थ में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा आपके पास में या तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से या स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो इस टाइप से इनका आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी। अच्छा, इनके आयनाइजेशन एनर्जी की यदि मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा कि ये देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और BI, ऑक्सीजन, सल्फर,
सेलेनियम टी और पीओ। तो नाइट्रो लेफ्ट राइट मूव करने पे आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, लेकिन नाइट्रोजन का जो आयनेशन एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। कारण ये होता है कि नाइट्रोजन फैमिली में P3 कॉन्फ़िगरेशन है और ऑक्सीजन फैमिली में P4 है। तो P3 में क्या है, हाफ फिल्ड पी सब सेल है और हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, जिसके चलते आयनेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो नाइट्रोजन की आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की से, फॉस्फोरस की ज़्यादा होती है सल्फर से, आर्सेनिक से की ज़्यादा होती है सेलेनियम से, और उसके बाद में ये जो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड के जो एक्सेप्शन होते हैं वो ऊपर ऊपर में ज़्यादा इफेक्टिवली लगते हैं। तो उसके बाद में टेलोरियम की ज़्यादा होगी एंटीमनी से और पोलोनियम की ज़्यादा होगी बिस्मथ से। तो इस टाइप से आप ये ध्यान में रखिएगा कि जनरली देखा जाए तो ग्रुप 15 के आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ग्रुप 16 से, कारण P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 15 ग्रुप और P4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 16 ग्रुप। तो ये रहेगा इनका आयनेशन एनर्जी की बातें। डाउन द ग्रुप मूव करने पे ग्रुप में नीचे आप मूव करोगे तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। मैं डेटा के साथ में बात करता हूँ, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ C, T और PO। तो ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी होती है वो होती है आपके पास 1314 किलो जूल पर मोल। उसके बाद में सल्फर की होती है 1000 किलो जूल पर मोल, सेलेनियम की होती है 941 किलो जूल पर मोल, डिक्रीज कर रही है, टेलेरियम की 869 किलो जूल पर मोल और पोलोनियम की 813 किलो जूल पर मोल। डाउन द ग्रुप आने पे आयनेशन एनर्जी आपके पास में डिक्रीज कर रही है। दूसरा चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि सेकेंड पीरियड की जो आयनेशन एनर्जी होती है, सेकंड पीरियड एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन की, वो कुछ ज़्यादा ही होती है। जब आप ऑक्सीजन से सल्फर पे जंप करते हो तो आपके पास में नियरली 314 किलो जूल पर मोल का गैप है, उसके बाद में इतना गैप कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट की आयनेशन एनर्जी I1 ऑफ सेकेंड पीरियड एक्सेप्शनली हाई। सेकंड पीरियड एलिमेंट की आयनेशन एनर्जी होती है वो एक्सेप्शनली हाई होती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है आपके पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अगली बात आती है आपके पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इनके लिए नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी होते हैं। यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन रिसीव करना चाहते हैं जो एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन, और वो E- इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज की बात करूँ तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो होता है -141 किलो जूल पर मोल, सल्फर का होता है आपके पास में -200 किलो जूल पर मोल, सेलेनियम का होता है आपके पास में -195 किलो जूल पर मोल, टेलेरियम का होता है आपके पास में -190 किलो जूल पर मोल और पोलोनियम का होता है आपके पास में -174 किलो जूल पर मोल। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इस वैसे एक जनरल ट्रेंड होता है कि नीचे जाने पे लेस नेगेटिव होता जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का केस में मिनिमम है यहाँ पे। तो जो ऑर्डर आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव के हिसाब से, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, जितना ज़्यादा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम होगी सल्फर की, सेलेनियम, देन टेलेरियम, देन पोलोनियम और देन ऑक्सीजन। ये इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर रहेगा। ऑक्सीजन की मिनिमम होगी यहाँ पे, और ऑक्सीजन की मिनिमम होने का कारण दिया जाता है कि साइज क्या है इसकी, कुछ ज़्यादा ही स्मॉल है। और साइज स्मॉल होने के चलते क्या होता है कि जब आप ऑक्सीजन में ये न्यूक्लियस हो गए आपके पास में और यहाँ पे जब आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर से फिट करते हो तो उसको क्या करता है कि ये जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑलरेडी पहले से ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इनका क्या लगता है, रिपल्सन लगता है, और रिपल्सन के चलते इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव तो आता है लेकिन लेस नेगेटिव आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो एलिमेंट होते हैं आपके पास में वो सफिशियंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं आपके पास से, और सफिशियंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो ऑक्सीजन का जो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो होता है 3.5, और आप ये बोल सकते हो कि ये आपके पास में सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है किसकी, ऑक्सीजन की। और उसके बाद में जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। सल्फर की होती है आपके पास में 2.58,
सेलेनियम की होती है 2.55, डिक्रीज करती जा रही है। टेलेनियम की होती है आपके पास में 2.01 और पीओ की होती है आपके पास में 1.76। डाउन द ग्रुप मूव करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जा रही है, ये देखिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्शनली हाई होती है। जब ऑक्सीजन से सल्फर पे जाते हो तो लगभग 0.9 का डिक्रीज होता है और उसके बाद में डिक्रीज होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। हाँ, पोलोनियम के केस में अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर गई है और कारण यही है कि पोलोनियम जो है वो मेटल है, पोलोनियम मेटल है यहाँ पे, इसके चलते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी अमाउंट में यहाँ पे डिक्रीज कर रही गई है। तो ये बातें रही इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। नेक्स्ट बात आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की यदि मैं बात करूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी है कि ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं वो हैं आपके पास में नॉन मेटल्स, सेलेनियम और टेलोरियम है आपके पास में मेटलॉइड्स और पोलोनियम है आपके पास में मेटल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पोलोनियम जो है वो ध्यान रखिएगा मेटल भी है, साथ ही साथ पीओ है रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव है आपके पास में और रेडियो एक्टिव है, साथ ही साथ इसका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ है वो भी काफ़ी कम है। कितना कम है? 13.8 डेज इसका हाफ लाइफ है, मतलब बहुत फास्ट ये डिसइंटीग्रेशन इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या होती है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट एलोट्रोपी, ग्रुप 16 के सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपी एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि फिजिकल स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और पोलोनियम, ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस है और ये जो बाकी के जो चार एलिमेंट्स हैं वो आपके पास में सॉलिड हैं, ठीक है। सारे के सारे एलोट्रोपी एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक वेट इंक्रीज करने पे इंक्रीज करता है। बस थोड़ा सा ये है कि जब ये इंक्रीज करता है टिल टेलरियम और उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो वही रहेगा, बस ये ऑर्डर यही रहेगा, डेटा अलग अलग होंगे। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा सल्फर, सल्फर से ज़्यादा होगा आपके पास में सेलेनियम, सेलेनियम से ज़्यादा टी और टी के बाद से जब पीओ पे आप मूव करोगे तो ये यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अच्छा, तो और यदि आप इस ऑर्डर को और प्रिसाइज वे में यदि आप लिखना चाहें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहेगा, या डेटा से मैं एक बार बात कर देता हूँ, आप कंपेयर कर लीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा तो ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा O2 का वो रहता है 55 केल्विन, सल्फर एसिड का, रोमिक सल्फर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका रहता है आपके पास में 393 केल्विन और सेलेनियम का होता है आपके पास में 490 केल्विन, टेलरियम का होता है आपके पास में 725 केल्विन और पोलोनियम का होता है आपके पास में 520 केल्विन। तो देखिए, ऑक्सीजन से टेलरियम तक इंक्रीज किया है, उसके बाद में ये डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो O2 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन, एसिड के सल्फर रोम्बिक सल्फर का होता है आपके पास में 718 केल्विन, उसके बाद में सेलेनियम का होता है 958 केल्विन, उसके बाद में टेलरियम का होता है आपके पास में 1260 केल्विन और उसके बाद में पोलोनियम पे जब आते हो तो 1235 केल्विन। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे आकर के अगेन क्या कर गया है, ये डिक्रीज कर गया है, ठीक है। तो ये इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई आपके पास में। डेंसिटी की यदि बात करें तो डेंसिटी कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, बिना किसी एक्सेप्शन के डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये होता है कि आप यहाँ पे ये देखें कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जब आप ऑक्सीजन से सल्फर पे जाते हो तो बहुत ज़्यादा हाई जंप होता है और हाई जंप का कारण होता है कि ऑक्सीजन जो होता है
वो बात कर रहे हैं हम जब ये डाई एटॉमिक है और होता ही है ये, इसका मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म O2 है, ठीक है। जबकि सल्फर के लिए बात करते हैं क्या, एसिड। तो ये एटमिसिटी का अंतर आता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हो जाएगा आपके पास में 2 × 16 करोगे तो ये हो जाएगा 32, लेकिन इसके जब आप बात करोगे तो 8 × 32 इट विल बी 256 ग्राम पर मोल। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ना उसमें बहुत ज़्यादा जंप है, जिसके चलते मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में ही जब आप ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ मूव करते हैं तो हाई जंप है, उतना आगे हाई जंप आगे में नहीं है। देखिए आप सल्फर सेलेनियम टेलेनियम और पेलेनियम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट में सल्फर सेलेनियम टेलेनियम और पेलेनियम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसका कारण दिया जाता है क्या, इनकी एटोमिसिटी से, ठीक है। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी इस केस में 2 है और सल्फर की एटोमिसिटी यहाँ पे 8 है। अगली बात आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेनली गवर्न होती हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है S2P4। तो S2P4 इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे कॉमन है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है यहाँ पे 2-, क्योंकि E2- जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S2P6। तो 2- इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट हो सकता है। दूसरा इनके लिए E+6 हो सकता है, क्योंकि जब ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें तो आपके पास में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है, ठीक है। दूसरा जब इनर्ट पेयर इफेक्ट लगे तो +4 आ सकता है आपके पास में। और तीसरा जब 2 इलेक्ट्रॉन ही खाली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें तो E2+ आ सकता है। तो आप हमने देखा तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2-2 का आ रहा है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस टाइप से है, ठीक है। तो इस टाइप इसमें इस केस में इसका जो कोवलेंसी होगा वो होगा आपके पास में 2, ठीक है। अब एक अनपेयरिंग हो जाए तो अनपेयरिंग कहाँ पे हो जाए, अनपेयरिंग हो जाए नेक्स्ट जो डी सबसेल खाली पड़ी है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो डी सबसेल जो है वो ऑक्सीजन में नहीं है, तो ऑक्सीजन को छोड़ करके, ऑक्सीजन के छोड़ करके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अगला क्या होगा आपके पास में, यदि एक एक्साइटेशन हो जाए आपके पास में तो एक इलेक्ट्रॉन फर्दर एक्साइट होकर के आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में जो कोवलेंसी आएगी वो आएगी 4। अच्छा, और उसके बाद में एक एक्साइटेशन और हो जाए, यदि एक एक्साइटेशन और हो जाए तो इस केस में जो कोवलेंसी आएगा इनका 6। तो इनकी जो कोवलेंसी होती है वो 2-2 के डिफरेंस से वेरी करती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनके लिए अच्छे खासी कॉमन है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छी खासी कॉमन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते ही P4 से सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है क्या, P6। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनके लिए कॉमन है, लेकिन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप आने पे O, S, Sc, T और PO डाउन द ग्रुप आने पे -2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो -2 की स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऊपर जाने पे इंक्रीज करती है, और आप ये कह सकते हो कि नीचे आने पे स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव नीचे आने पे मेटलिक करेक्टर आ जाता है, और मेटल्स के लिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होता है। इसके अलावा +6 versus +4 की बात करें तो ऊपर वाले के लिए +6 ज़्यादा कॉमन होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन के लिए +6 नहीं बन सकता है, क्योंकि +6 बनाने के लिए 6 बॉन्ड बनानी चाहिए और 6 बॉन्ड बनाने के लिए 6 ऑर्बिटल होने चाहिए, तो ऑक्सीजन में तो 6 ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हटा करके मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन को मैं इस कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूँ, ऑक्सीजन की अलग से बात कर दूंगा। तो ऑक्सीजन को हटा करके मैं बाकी एलिमेंट्स की यदि बात करूँ तो नीचे आने पर जो S, Sc, T और PO नीचे आने पे +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेज एंड +4 इंक्रीजेज कब, डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे मूव करने पे +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए बात करूँ तो ऑक्सीजन के लिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसके अलावा पॉजिटिव हार्डली ही एग्जिबिट करता है। एक OF2 में जब ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो यहाँ पे O2+ शो कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट O2F2 में ऑक्सीजन
प्लस वन भी शो कर देता है, और H2O2 में ऑक्सीजन आपके पास में माइनस वन भी शो कर देता है, और इसके अलावा O2 माइनस सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन माइनस वन बाई टू भी कर देता है, प्रोक्साइड में O2 माइनस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी माइनस वन, तो प्लस टू प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन बाई टू, और ऑक्साइड जो मैन वेल नोन होता है उसमें माइनस टू इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ऑक्सीजन के लिए जो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन एग्जिबिट करेगा तो वो केवल तब करेगा जब फ्लोरिन के साथ में ये बॉन्डेड रहेगा, ठीक है। और बाकी के लिए वही रहेगा कि नीचे आने पर प्लस सिक्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी और प्लस फोर की इंक्रीज कर जाएगी, कारण रहता है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और नीचे आने पे माइनस टू की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, कारण रहेगा कि मेटल्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करती हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर होता है, अदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे जैसे बाकी भी सभी पी ब्लॉक एलिमेंट का जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। तो किस किस टर्म में है ऑक्सीजन के स्मॉल ये एक्सेप्शनल बिहेवियर एनोमलस बिहेवियर, वो है एक तो स्मॉल साइज है, एक्सेप्शनल स्मॉल साइज है। दूसरा है आपके पास में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इसकी वो लिस्ट नेगेटिव है N16 ग्रुप में। तीसरा चीज़ क्या है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पे अच्छा खासा चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, जिसके चलते इसका जो कोवलेंसी जो है वो थ्योरेटिकली लिमिटेड है, कब तक लिमिटेड है, 4 तक, लेकिन ध्यान रखना इसका कोवलेंसी 2 से ज़्यादा हार्डली ही एक्सीड कर पाता है, ठीक है। तो लिमिटेड है 4 तक थ्योरेटिकली, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इसका कोवेलेंसी जो एग्जिबिट होता है वो कितना होता है, केवल 2। इसलिए होता है क्योंकि 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी शो करने के लिए ये देखें, ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, 4 ज़्यादा कोवेलेंसी 2 से ज़्यादा कोवेलेंसी शो करने के लिए इसको एक आयनाइज करने की जरूरत है, और ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है जिसके चलते ये आयनाइज नहीं हो पाता है और इसका कोवेलेंसी लिमिटेड रह जाता है, कहाँ तक, 2 तक, ठीक है। यदि किसी तरीके से आप इसको आयनाइज कर सकते हो तो इसका कोवेलेंसी 4 तक जा सकता है थ्योरेटिकली, लेकिन वो प्रैक्टिकली अचीवेबल नॉर्मली तो नहीं है। वैसे एक अलग चीज़ है कि H3O+ टाइप से जब OHH और ये प्लस आ जाए तो यहाँ पे फिर भी इसकी कोवेलेंसी आप 3 बोल सकते हो, लेकिन वो भी आपके पास में ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, लगभग ये इसका हाइड्रेशन टाइप से या हाइड्रोजन बॉन्डेड ही ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल के चलते ये अपनी वैलेंस सेल को एक्सपेंड ही नहीं कर सकता। तो ये हो गई आपके पास में एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ग्रुप 16 एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके EH2 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, और सारे के सारे करते हैं, ये जो रिएक्शन होती है वो सारे ग्रुप 16 एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलिनियम और पोलोनियम, सभी के सभी EH2 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन हाइड्राइड में क्या होता है कि ध्यान रखिएगा H2O और H2S, इन दोनों का जो फॉर्मेशन होता है ना वो तो होता है एक्जो, ठीक है, और H2O का ज़्यादा एक्जो होता है, H2S का लेस एक्जो होता है। उसके बाद में H2SE, H2TE और H2PO इन तीनों का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एंडो। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो H2O का मैक्सिमम एक्जो होता है, तो H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है -286 किलोजूल पर मोल, H2S का होता है -20 किलोजूल पर मोल,
then 73 kilojoule per mole and then 100 kilojoule per mole. तो आप ये कह सकते हैं कि इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर इनकी जो स्टेबिलिटी होगी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा H2O, then H2S, H2SC and then H2TE. ये ऑर्डर होगा इनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, ठीक है, ये सॉरी स्टेबिलिटी का. H2 और H2S का फॉर्मेशन एक्जो होगा जबकि बाकी का सबका एंडो होगा. जबकि ग्रुप 15 में क्या हुआ था, केवल अमोनिया का फॉर्मेशन एक्जो था, बाकी सबका एंडो था. तो इनके जो हाइड्राइड होते हैं, ग्रुप 16 के हाइड्राइड थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होते हैं ग्रुप 15 के हाइड्राइड से, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की यदि मैं बात करूँ तो HEH इस टाइप से जो बॉन्ड लेंथ होगी, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी H2O, देन H2S, देन H2SC, देन H2TE. ये इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रहेगा. बॉन्ड लेंथ इस टाइप से इंक्रीज करेगी, और बॉन्ड लेंथ इस टाइप से इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एनर्जी जो रहेगी वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रहेगी H2O, H2S, H2SC और H2TE. ये इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर रहेगा. H2O का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा, H2TE का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम रहेगा. ये ऑर्डर हो जाएगा इनका बॉन्ड एंथैल्पी का, ठीक है. अच्छा, इसके बाद में एंगल की बात करें तो एंगल के केस में ड्रैगो रूल लगता है. तो H2 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री, लेकिन H2S में जो एंगल हो जाता है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज कर किया जाता है 92 डिग्री, देन 91 डिग्री एंड देन 90 डिग्री. तो बॉन्ड एंगल भी नीचे आने पे क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है. अच्छा, दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये जो हाइड्राइड होते हैं H2E टाइप के जो हाइड्राइड होते हैं ये एसिडिक होते हैं, और नीचे आने पे इनकी जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज करती है. तो H2O से ज़्यादा एसिडिक होते हैं H2S, H2S से ज़्यादा H2SC, H2SC से ज़्यादा H2TE. ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर होता है. तो H2O सबसे लेस एसिडिक और H2TE सबसे ज़्यादा एसिडिक. और कारण इसका यह दिया जाता है, एसिडिटी के इंक्रीज करने के बाद H2PO भी एसिडिक होता है, ठीक है. इनकी एसिडिटी का कारण ये दिया जाता है कि बॉन्ड जब वीक हो जाता है, नीचे जाने पर जब बॉन्ड वीक हो जाता है तो आयनाइजेशन आसान हो जाता है, और आयनाइजेशन आसान हो जाता है जिसके चलते एसिडिटी इनकी बढ़ जाती है. अच्छा, इनके डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की बात करें, डिसोसिएट किस टाइप से होंगे, ये डिसोसिएट होंगे आपके पास में एच प्लस प्लस एच ई माइनस इस टाइप से. तो इनका जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होगा उसका वैल्यू भी जब आप H2O से H2PO की तरफ इंक्रीज करोगे तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसके चलते ज़्यादा ज़्यादा एच प्लस आपको मिलता चला जाएगा. अच्छा, इसके बाद में क्या होता है कि जो H2O जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा दोनों ही केस में H2S, H2SC, H2TE और H2O, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा. तो ये हो गए आपके पास में ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स. उसके बाद नेक्स्ट आता आएगा आपके पास में रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके, ये एक तो ऑक्सीजन खुद ही ग्रुप का है, तो ओ एस एस सी टी और पी ओ, ठीक है. मैं ऑक्सीजन की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की. उसके लिए दो ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं O2 और O3. उसके आगे मैं डिटेल में चर्चा कर दूँगा. मैं बात कर रहा हूँ इन चार एलिमेंट के लिए. तो इनके लिए जो ऑक्साइड्स जो बनते हैं वो दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, एक तो EO2 टाइप से और EO3 टाइप से. EO2 टाइप से जब प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और EO3 जब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. दोनों ही टाइप के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, और कोवेलेंट होते हैं तो दोनों ही टाइप के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं. अच्छा, अब क्या होता है कि +6 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा कोवेलेंट भी होगा और ज़्यादा एसिडिक भी होगा. तो कोवेलेंट करेक्टर और एसिडिक करेक्टर में EO3 ज़्यादा कोवेलेंट और ज़्यादा एसिडिक कंपेयर टू EO2, ठीक है. अच्छा, इसके बाद में इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट के लिए जो SO2 जो है वो गैस है, SO2 गैस है, और उसके बाद में SCO2, TE
O2 और PO2 ये जो तीनों हैं ये आपके पास में सॉलिड है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा चीज़ क्या होता है कि SO2, ये जो EO2 जो रहेगा आपके पास में, EO2 जो रहेगा वो EO3 में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो जिसके चलते जो EO2 होगा वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो ये होगा आपके पास में क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो नीचे आने पे जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो डिक्रीज करता है, क्योंकि इनर्टफेयर इफेक्ट लगता है। यहाँ पे EO2 में प्लस फोर है और EO3 में प्लस सिक्स है, तो प्लस फोर से प्लस सिक्स जाने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है नीचे आने पे। तो जो SO2 होता है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन जो TO2 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। TO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और SO2 होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो रिड्यूसिंग पावर होती है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ EO2 डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इनकी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। और एसिडिक होते हैं दोनों, EO2 टाइप के भी और EO3 टाइप से भी, ये बातें भी मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो EO3 टाइप के जो होते हैं, EO3 टाइप के जो SO3 होती है वो तो होती है गैस, वो तो गैस होती है, और बाकी के जो होते हैं आपके SO3 वगैरह वगैरह TO3 ये आपके पास में सॉलिड होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है आपके पास में रिएक्शन विद हैलोजन्स। तो हैलोजन्स के साथ में रिएक्ट करके ये तीन टाइप के हैलाइड बनाते हैं मेनली, एक तो ई एक्स सिक्स टाइप के जब ये प्लस सिक्स शो कर रहा होता है, दूसरा ई एक्स फोर टाइप से जब ये प्लस फोर शो कर रहा होता है, और दूसरा ई एक्स टू टाइप के जब ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है। अच्छा, हैलाइड स्टेबल कब होते हैं, जब फ्लोराइड हो, तो एक्स जब फ्लोराइड होगा तो मोस्ट स्टेबल, क्लोराइड, ब्रोमाइड और देन आयोडाइड, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ये हैलाइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अच्छा, हेक्जा हैलाइड्स में ध्यान रखना, ई एक्स सिक्स टाइप से जब बन रहा होगा तो ओनली हेक्जा फ्लोराइड स्टेबल होंगे, हेक्जा फ्लोराइड ही या फ्लोराइड ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स को स्टेबलाइज कर पाएगा, बाकी वाले स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। हेक्जा फ्लोराइड्स ओनली स्टेबल है, हेक्जा फ्लोराइड्स में ओनली स्टेबल, ठीक है। तो हेक्जा हैलाइड्स में केवल हेक्जा फ्लोराइड ही स्टेबल होंगे, ठीक है। अच्छा, जितने भी हेक्जा फ्लोराइड्स बनेंगे आपके पास में वो आपके पास में गैसेस होंगे, सारे हेक्जा फ्लोराइड्स, ऑल हेक्जा फ्लोराइड्स आर गैसेस रहेंगे। और शेप की बात करें तो ये आपके पास में ई या एफ 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 ये इस टाइप से ये स्क्वायर बना, और स्क्वायर के ऊपर पॉइंट, स्क्वायर के नीचे पॉइंट, तो इनका जो शेप रहेगा वो रहेगा आपके पास में क्या, ऑक्टाहेड्रल इनकी ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है। एस एफ सिक्स एक्सेप्शनली स्टेबल होता है स्टेरिक रीजन से, एक्सेप्शनली स्टेबल स्टेबल, और कारण दिया जाता है इसका क्या, स्टेरिक रीजन्स इसका कारण दिया जाता है, स्ट्रिक इंटेंस इसमें को थोड़ा कम लगता है, जिसके चलते ये कुछ ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये तो हो गए हेक्जा फ्लोराइड की बात है, सारे हेक्जा फ्लोराइड जितने भी बनेंगे सब के सब गैसेस होंगे, हेक्जा हैलाइड जितने भी होंगे वो सारे गैसेस होंगे, ठीक है। अब मैं टेट्रा हैलाइड्स की बात करूँगा, तो टेट्रा हैलाइड्स की बात करूँ तो एस एफ फोर जो है वो गैस है, एस सी एफ फोर लिक्विड है, और टी एफ फोर सॉलिड है, ठीक है, ये रहेगा आपके पास में, ठीक है। तो ये नॉन मेटल का फ्लोराइड गैसेस होगा, ये मेटलॉइड का फ्लोराइड लिक्विड होगा, और ये थोड़ा सा मेटलिक लेकिन ज़्यादा मेटलॉइड का ये होगा आपके पास में सॉलिड, ठीक है। अच्छा, इनकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, ई एक्स फोर टाइप से यदि मैं बात करूँ तो ये ई एक्स 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 एक्स, और ये होगा लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d थ्री, और sp3d थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप होगा इसका क्या, सी सौ, सी सौ इसका शेप होगा, ये प्लेन के पीछे और ये ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा इनका शेप की बातें, उसके बाद में ठीक है, ये लॉन पेयर जो रहेगा ध्यान रखिएगा इक्वेटोरियल पे रहेगा, आफ्टर दैट सीसा इनकी ज्योमेट्री हो गई। जो डाई हैलाइड होते हैं ई एक्स टू टाइप के, तो ध्यान रखना डाई हैलाइड्स में या तो डाई क्लोराइड होते हैं
या डाई ब्रोमाइड होते हैं, डाई फ्लोराइड और डाई आयोडाइड फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। तो डाईक्लोराइड और डाईब्रोमाइड होते हैं, इनमें क्या होता है कि दो तो रह जाता है आपके पास में लॉन पेयर, और ये इस टाइप से ये इनका ज्योमेट्री होता है। तो सेफ हाइब्रिडाइजेशन होगा इनका sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में दो लॉन पेयर, जो बॉन्ड पेयर रहेगा तो सेप होगी इनकी बैंड सेप या वी सेप इनकी सेप होगी, ठीक है। ये हो गए इनके डाई हैलाइड। मोनो हैलाइड की बात करें तो मोनो हैलाइड इनके जो होंगे वो होंगे आपके पास में डाइमरिक मोनो हैलाइड होते हैं। डाइमरिक मोनो हैलाइड बनते तो हैं लेकिन वो डाइमर बनाते हैं, जैसे SF, लेकिन SF नहीं होगा, ये H2F2 होगा, H2Cl2 होगा, H2Br2 होता है, Se2Cl2। इस टाइप से जो मोनो हैलाइड्स होते हैं वो डाइमरिक फॉर्म में, या Se2Br2, ये डाइमर के फॉर्म में इनके मोनोहैलाइड एग्जिस्ट करते हैं। यदि इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो H2O2 टाइप से इनके स्ट्रक्चर होता है, मतलब आपके पास में SS, Cl और Cl, और यहाँ पे आपके पास में ये दो लोन पेयर रहेंगे, यहाँ पे आपके पास में दो लोन पेयर रहेंगे। सेप का नाम जो होता है यहाँ पे क्या, ओपन बुक ज्योमेट्री होगा। ये भी sp3 एंड इट विल ऑल्सो बी sp3। इस टाइप से इनका ज्योमेट्री रहेगा। मोनो हैलाइड जो होते हैं, दूसरा चीज़ ये होता है कि मोनो हैलाइड्स ईजीली डिसप्रोपोर्शनेट कर जाते हैं, तो ईजिली डिसप्रोपोर्शनेशन में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल Se2Cl2 की बात करोगे तो ये SeCl4 प्लस 3Se बड़ी ईजिली ये डिसप्रोपोर्शनेट कर जाते हैं, ठीक है। ये हुई आपके पास में हैलाइड्स की बातें। अगली बात आती है आपके पास में O2 या डाई ऑक्सीजन की। डाई ऑक्सीजन की बात करें O2 की, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला तरीका तो है कि ऑक्सीसॉल्ट को हीट कर दीजिए। ऑक्सीसॉल्ट को हीट करने पे ऑक्सीजन निकल जाती है। ये ऑक्सीसॉल्ट जनरली नाइट्रेट्स को हीट करने पे, क्लोरेट्स को हीट करने पे, परमैंगनेट्स को हीट करने पे या कार्बोनेट्स वगैरह को हीट करने पे। सल्फेट तो खैर इतना इजीली ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं हीटिंग पे, ठीक है। इनको हीट करने पे ऑक्सीजन आ जाती है। फॉर एग्जांपल जिसका जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन का जो तरीका है हॉस्पिटल्स वगैरह में जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होता है, वो पोटेशियम क्लोरेट को ध्यान रखिएगा MnO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो 2KCl प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होती है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑक्साइड्स होते हैं, और कौन से ऑक्साइड होते हैं, ऑफ लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होना चाहिए, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि उन इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स जो होती हैं, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड को आप हीट करते हो तो भी आपको O2 मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप ये बोल सकते हो लेस रिएक्टिव मेटल बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, जिनकी रिएक्टिविटी कम है उन मेटल्स के ऑक्साइड को हीट करोगे। जैसे आप Ag2O को यदि आप हीट करोगे तो 4Ag+O2 करके आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मर्क्रिक ऑक्साइड HgO को आप हीट करोगे तो 2Hg+O2 आपको मिल जाएगा। Pb3O4 को आप हीट करोगे तो Pbo+O2 आपको मिल जाएगा। यदि आप PbO2 को आप हीट करोगे तो 2PbO+O2 ऑक्सीजन यहाँ से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीसॉल्ट्स को हीट करने पे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स को हीट करने पे, या फिर H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है उससे आपको H2O+O2 आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये तरीका रहा, लेकिन ये सब तरीके हैं, ये लार्ज स्केल पर ऑक्सीजन प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है। लार्ज स्केल पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने का तरीका है आपके पास में कि वाटर का
इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस पे H2 गैस तो आएगी कहाँ पे, कैथोड पे, और O2 गैस आएगी कहाँ पे, एनोड पे। ठीक है, एक तो ये तरीका है, लेकिन इसमें भी ये भी एनर्जी कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें कंज्यूम होती है। दूसरा तरीका है आपके पास में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। अब एयर का जो मेन कंपोनेंट है वो है N2 और O2, तो जब एयर को फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करते हैं तो दोनों ये कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो पहले तो क्या किया जाता है कि एयर से जो CO2 और अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर वगैरह उनको हटाया जाता है, ताकि मेन जो एयर में दो गैसेस रह जाएं वो कौन कौन से रह जाएं, O2 और N2। अब O2 और N2 को कर लिया जाता है, मिक्सर को कर लिया जाता है क्या, लिक्विफाई, और लिक्विफाई करने के बाद में, लिक्विफाई करने के बाद में ये लिक्विड लिक्विड O2 और N2 होगी, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करेंगे तो लो मेल्टिंग पॉइंट, ये सॉरी लो बॉइलिंग पॉइंट वाला N2 बाहर निकल आएगी और पीछे रह जाएगी, N2 का मेल्ट का बॉइलिंग पॉइंट होगा लगभग 77 केल्विन के आसपास, ये बाहर आ जाएगी, और O2 जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन के आसपास वो पीछे रह जाएगी। तो एयर को इस तरीके से फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करके ऑक्सीजन प्रिपेयर की जा सकती है। तो ये तो हो गए आपके पास में प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन। उसके बाद में डाई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ इसकी ऐसी हैं कि सबसे पहला चीज़ तो इसके पास में कोई कलर नहीं है, तो कलरलेस है। दूसरा चीज़ हम सांस लेते हैं कोई स्मेल नहीं आता है, तो ऑडरलेस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन लेस सोल्यूबल है, लेकिन सफिशियंटली सोल्यूबल है कि एक्वाटिक लाइफ, इसमें एक्वाटिक लाइफ जो मछली वगैरह जो होती है वो वाटर से ऑक्सीजन को ब्रीद कर सकें। तो 100 ml वाटर में नियरली 3.08 ml O2 डिजोल्व हो सकती है 293 केल्विन पे। ठीक है, तो 3.08 ml O2 इन 100 ml वाटर एट 293 केल्विन पे। ठीक है, और ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है इसी के दम पर एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका 90 केल्विन के आसपास बॉइलिंग पॉइंट होगा, और 55 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। इसके तीन आइसोटोप्स होते हैं, तीन स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ये इसके तीन स्टेबल आइसोटोप्स हैं आपके पास में, एक और इसका आइसोटोप ऑक्सीजन 15, लेकिन वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, स्टेबल आइसोटोप तीन है, 16, 17 और 18। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ क्या होता है कि O2 जो होता है वो ध्यान रखिएगा ये पैरामैग्नेटिक होती है, पैरामैग्नेटिक होती है, इवन इसमें इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब आपके पास में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होता है, और इसका पैरामैग्नेटिक को VBT से नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से MOT से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इवन MOT फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ही की गई थी O2 के पैरामैग्नेटिक को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ क्या होता है कि O2 जो होती है वो नियरली रिएक्ट करती है ऑल मेटल से, नियरली ऑल मेटल से रिएक्ट करती है O2, केवल नोबल मेटल से नहीं करती है, गोल्ड प्लेटिनम या सिल्वर से भी करती है, लेकिन कम करती है, इनको छोड़ करके ज़्यादातर मेटल से रिएक्ट करती है, ऑल मेटल से और ऑल नॉन मेटल से, लेकिन किससे नहीं करती है, ऑल मेटल ऑल नॉन मेटल से रिएक्ट करती है, किससे नहीं करती है, लेकिन इनर्ट गैसेज से रिएक्ट नहीं करती है, नोबल गैसेज से रिएक्ट नहीं करती है, इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल मेटल और नॉन मेटल सबसे रिएक्ट कर जाती है। और इसका जो रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है मेटल्स नॉन मेटल से, तो किसी भी एलिमेंट से किसी भी सॉरी जस्ट वेट किसी भी मेटल या नॉन मेटल से इसका जो रिएक्शन होता है, जो भी आपका ऑक्साइड बनेगा,
जो भी ऑक्साइड बनेगा किसी भी फॉर्मूले के साथ में, मोस्टली एक जो होता है केवल नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ओ टू का जो रिएक्शन होता है, एन टू ओ टू का जो रिएक्शन होता है, और वहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो एंडो होता है, ठीक है। इसके अलावा नोबल मेटल्स वाले भी एंडो हो सकते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्जो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अनॉर्मस अमाउंट में हीट रिलीज होता है, और जब ऑक्सीजन के साथ में कंबन इस, और इसी को कंबन्शन बोलते हैं, जब कोई फ्यूल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करता है तो दैट इज द कंबन्शन, ठीक है। अच्छा, और दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये कंबन्शन तो होता है, ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, लेकिन लेकिन इस रिएक्शन को शुरुआत में इग्निशन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इग्निशन देने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो नियरली 493.4 किलो जूल पर मोल होती है, हाई एनर्जी होती है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, जिसके चलते रिएक्शन को शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए इग्निशन देने की जरूरत पड़ती है, हाई एनर्जी जीत शुरुआत में हीट वगैरह जैसे आग जलानी है तो शुरुआत में उसको इग्निशन या चिंगारी देने की जरूरत पड़ती है, ड्यू टू दिस हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल ए बॉन्ड, ठीक है। कुछ मेटल में वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्यूल्स वगैरह के कंबन्शन के लिए, ठीक है। और ये लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है, ध्यान रखना कि लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है वो रॉकेट फ्यूल के साथ में यूज की जाती है, रॉकेट फ्यूल को कंबन्शन करवाने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन यूज की जाती है, गैसेस ऑक्सीजन यूज नहीं की जाती है। तो ये हो गई आपके पास में डाई ऑक्सीजन की बातें। ऑक्साइड्स जो होते हैं ना वो बाइनरी कंपाउंड होते हैं, बाइनरी कंपाउंड मतलब बाइनरी मतलब दो चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, एक कोई एलिमेंट होता है और दूसरा जो होता है वो होता है क्या, ऑक्सीजन। ये होते हैं आपके पास में ऑक्साइड, ठीक है। जैसे आपके पास में सी हो गया, पी फोर ओ टेन हो गया, आपके पास में ए एल टू ओ थ्री हो गया, आपके पास में टी एल टू ओ हो गया, ये सब आपके पास में ऑक्साइड्स हैं। बाइनरी कैसे, जैसे सी ए ओ ऑक्साइड है, इसमें एक कैल्शियम है और दूसरा ऑक्सीजन है, दो ही एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड है, देयरफॉर ये बाइनरी है, ठीक है। तो किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ में जो बाइनरी कंपाउंड होता है वो होता है आपके पास में ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आपके पास में सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड जिसके अंदर जो दूसरा जो एलिमेंट है वो एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, जैसे ऊपर के जो मैंने चार एग्जाम्पल लिखे चारों के चारों सिंपल ऑक्साइड हैं, जैसे कैल्शियम इसमें कैल्शियम 2+ में है, फॉस्फोरस इसमें 3+5 में है, आपके पास में एल्यूमिनियम
प्लस थ्री में, टी एल प्लस वन में, ठीक है। तो सिंपल ऑक्साइड आपके पास हो सकते हैं, इसके अलावा दूसरे टाइप के ऑक्साइड होते हैं आपके पास में, वो होते हैं आपके पास मिक्स ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें एक ही अलग ऑक्साइड मिक्सेज होता है, फॉर एग्जाम्पल सी जी थ्री ओ फोर, इसमें सी जी ओ है दो दो टू रेशियो वन में सी जी ओ, और एक है आपके पास में क्या सी जी ओ टू। थर्टी थ्री थर्टी थ्री ओ फोर, थ्री तो एसी ओ है और एक है इसमें थर्टी टू और थ्री, सॉरी ये वन रेशियो टू में है, ये वन रेशियो वन में है, ठीक है, एसी टू और थ्री। जब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होता है तो ये होता है आपके पास में मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक। अच्छा, अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके पास में तीन टाइप के हो सकते हैं, ये एसिडिक हो सकते हैं, ये बेसिक हो सकते हैं, ये आपके पास में ये एम्फोटेरिक हो सकते हैं, और ये आपके पास में न्यूट्रल हो सकते हैं। एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो वाटर से में डिजोल्व करने पे या तो एच प्लस आयन दें या बेसिस से जो रिएक्ट करें। तो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं मेनली कुछ के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस ओ टू एस ओ थ्री एन टू ओ फाइव, एन टू ओ फाइव हो गया आपके पास में, सी एल टू ओ सेवन हो गया, सी ओ टू हो गया, ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स हैं आपके पास में। इसके अलावा मेटलिक ऑक्साइड भी, मेटलिक ऑक्साइड भी जिनमें मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, मतलब मेटलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक है, उसके एग्जांपल हैं आपके पास में एम एन टू ओ सेवन वी टू ओ फाइव सी आर ओ थ्री, ये मेटलिक ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हो सकते हैं या मेटलिक ऑक्साइड हो सकते हैं जिनमें मेटल हाईली हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। बेसिक ऑक्साइड्स की बात करें तो मेटल्स के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, जैसे सी ए ओ हो गया, एन ए टू ओ हो गया आपके पास में, एम जी ओ हो गया आपके पास में, ये जो सारे ऑक्साइड्स हो गए आपके पास में वो हो गए आपके पास में बेसिक ऑक्साइड्स। तो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कैसे हैं। जैसे एस ओ थ्री है, एस ओ थ्री को आपने वाटर में डिजोल्व किया तो वाटर में डिजोल्व करने पे एच टू एस ओ फोर आ गया, और एच टू एस ओ फोर एच प्लस प्लस एच एस ओ फोर माइनस टाइप से, तो इसने क्या दे दिया, एच प्लस आयन दे दिया। तो ये एच प्लस आयन दे दिया वाटर में डिजोल्व करने पे, इसका मतलब एस ओ थ्री जो है वो हो गया आपके पास में एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने वाटर में डिजोल्व किया तो सी ए ओ एच टू और सी ए ओ एच टू दे गया क्या, टू सी ए प्लस प्लस ओ एच माइनस, तो ये ओ एच माइनस आ गया जिसके चलते सी ए हो गए आपके पास में क्या, बेसिक ऑक्साइड। तो मेटलिक ऑक्साइड हो गए आपके पास में बेसिक, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हो गए आपके पास में क्या, एसिडिक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, तो वो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड से रिएक्ट कर लेते हैं, बेसिक से रिएक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा नो एल टू ओ थ्री और बी ओ, ये तीन ऑक्साइड आप नेचुरल याद रखिएगा। इसके अलावा भी होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, लेकिन ये तीन आप मैंने याद रखिएगा जो कि एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है तो जैसे आप ए एल टू थ्री की बात करो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट कर गया, इसके एच सी एल से रिएक्शन कर गया तो ये एसिड है, इस केस में इसका बेस नेचुरल होगा क्या, बी, ठीक है। तो एच सी एल से रिएक्ट करेगा आपके पास में एल टू थ्री, एच सी एल प्लस नाइन एच टू ओ, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये टू ए एल एच टू ओ थ्री प्लस प्लस सिक्सटीन क्लोराइड, ये हो गया बी।
ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, यही होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई आपके पास में ऑक्साइड्स की बातें। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास में ओजोन की। ओजोन मीन्स O3। क्या है आपके पास में ओजोन? ओजोन है एलोट्रोप है, किसका? ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है ओजोन। लेकिन क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, जिसके चलते ये लोअर एटमॉस्फेयर में या सी लेवल पे, या हाईली रिएक्टिव होने के चलते लोअर एटमॉस्फेयर में एब्सेंट है, एब्सेंट इन लोअर एटमॉस्फेयर। तो फिर कहाँ प्रेजेंट है ये? ये हायर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कब? 20 किलोमीटर से ऊपर। ये आपका जैसे अर्थ हो गया, तो 20 किलोमीटर तक तो ये बहुत ही कम अबंडेंट है, इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। 20 किलोमीटर के ऊपर क्या होता है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस बनती है। ये जो O2 होते हैं ना, O2 के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आके स्ट्राइक करती हैं, बट स्ट्राइक करती हैं तो ओजोन गैस वहीं पे बनती ही है इवन ऊपर, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को लेकर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि O2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 32 और O3 का मॉलिक्यूलर वेट है 48। तो हैवियर गैस होगी O3, तो O3 होना चाहिए लोअर एटमॉस्फेयर में और O2 होना चाहिए अपर एटमॉस्फेयर में। लेकिन ऐसा नहीं है, लोअर एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर O2 है और अपर एटमॉस्फेयर में कौन है ज़्यादातर? O3। ऐसा क्यों? ऐसा इसकी मॉलिक्यूलर वेट के चलते नहीं है, ऐसा इसके चलते है कि O3 अपर एटमॉस्फेयर में बनती ही है, और जैसे जैसे वो ये अपर एटमॉस्फेयर में बनके नीचे की तरफ डिफ्यूज होगी। लेकिन जब नीचे की तरफ डिफ्यूज होगी, ये देखिए, ये नीचे O2 है और अपर एटमॉस्फेयर में बन गई O3। ये जैसे नीचे की तरफ डिफ्यूज होगी तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो बीच में आते आते ये क्या हो जाएगी? डिसोसिएट होकर वापस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? O2 में। तो ऊपर होने का कारण क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद ऊपर इसका कारण यह है क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये फॉर्म में होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से फॉर्म होती भी है और दूसरा चीज़ यूवी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब भी करती है। तो इसी के चलते बोलते हैं कि जो ऊपर में, अर्थ के ऊपर में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो शील्ड कर रहा है वो ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन को रोक करके जो यहाँ पे लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अच्छा, इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये, सॉरी, प्रॉपर्टीज से पहले हम इसके प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए एक तो हमने देखा कि अपर एटमॉस्फेयर में बन रही है किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। इसके अलावा इसको प्रिपेयर किया जा सकता है किससे? O2 को। O2 को जब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाता है तो O3 फॉर्म होती है। लेकिन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाना चाहिए, कारण यह है कि इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वो 142 किलो जूल है इसके लिए, और पॉजिटिव में है। इसका मतलब ये रिएक्शन हाईली एंडो है, और हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के पीछे जाने के चांसेस होते हैं। तो यदि आप साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं दोगे तो O3 वापस ही O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके चलते साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दोगे तो 10% O2 को, 10% O2 को O3 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो 10% O3 का कंसंट्रेशन लेने तक तो आप इस टाइप से ये साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन यदि आपको हाई कंसंट्रेशन चाहिए O3 का, हाई कंसंट्रेशन चाहिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ O3 मतलब आपको 10% से ज़्यादा कंसंट्रेशन यदि आपको ओजोन की चाहिए होगी तो आपको बैटरी ऑफ ओजोनाइजर यूज करनी पड़ेगी। बैटरी ऑफ ओजोनाइजर यूज करनी पड़ेगी, वहाँ पे आप 10% से ज़्यादा भी आप ओजोन बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है ओजोनाइजर में, ये जो ओजोन जो बनती है तो ओजोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 101 केल्विन, और O2 का होता है थोड़ा लेस, O2 का होता है आपके पास में 90 केल्विन। तो O2 को सेपरेट कर लिया जाता है और O2 को नीचे रख के कंडेंस से कर लिया जाता है। और ध्यान रखना, जिस कंटेनमेंट में O3 को कंडेंस किया जाता है उसके चारों तरफ लिक्विड O2 होती है, ठीक है। तो ये लिक्विड में रह गई O3 और ये यहाँ से आपने बाहर निकाल लिया क्या गैसेस से O2 को, ठीक है, इस टाइप से सेपरेट करके। तो ऐसे हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन अचीव की जाती है, और जिस कंटेनर में O3 को कंडेंस किया जाता है उस दैट इज सराउंडेड बाई लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बात करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो ओजोन है ना, इसके तीन कलर ध्यान में रखना। गैस में इसका कलर है पेल ब्लू कलर है गैस में, ठीक है। लिक्विड में इसका कलर है
डार्क ब्लू, लिक्विड में डार्क ब्लू, और सॉलिड में है आपके पास में वॉयलेट ब्लैक, इसका सॉलिड स्टेट में कलर है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा चीज़ क्या होता है कि ओजोन का एक करैक्टरिस्टिक स्मेल होता है, एक पर्टिकुलर स्मेल होता है ओजोन का, ठीक है, करैक्टरिस्टिक स्मेल होता है, और स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में है, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में हार्मलेस है ओजोन, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में हार्मलेस है, लेकिन यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 ppm से, यदि ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 100 ppm हो जाती है, तो फिर इससे आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, या फिर ये हार्मफुल हो जाती है, और इसका चलते जो इफेक्ट आते हैं वो तो क्या होता है, एक तो होता है हेडेक और दूसरा नौसिया, ठीक है, ये इसके इफेक्ट होते हैं यदि ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेशन में होती है तो फिर हार्मफुल होती है, ठीक है, और ब्रीदिंग भी मुश्किल हो जाती है, ब्रीदिंग अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग हो जाएगी, ब्रीदिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि O3 का जो ऑक्सीजन में जो डिसोसिएशन होता है आपके पास में, ये एक्जो होता है तो ये इजीली होता है, और इसका कारण ये होता है कि इस रिएक्शन के लिए एक तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, और दूसरा चीज़ डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव, और दोनों ही चीज़ें डेल्टा जी को ज़्यादा नेगेटिव बनाती है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो ये हो गया आपके पास में मोर नेगेटिव, और मोर नेगेटिव होगा इसके चलते ओजोन का थर्मल डिसोसिएशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, और इसी के चलते क्या होता है कि ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है, इसके चलते हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 हो जाती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 एक्सप्लोसिव हो जाती है, क्यों एक्सप्लोसिव हो जाती है, क्योंकि ये O2 में डिसोसिएट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है, O3 जब टूटता है तो O2 प्लस O, और ये जो ऑक्सीजन है ये नेसेंट ऑक्सीजन है, और नेसेंट ऑक्सीजन है तो जिसके चलते ये क्या है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है, और बहुत चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर देता है, जैसे लेड सल्फाइड को PbS को O3 ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, PbSO4 प्लस O2 में, ठीक है। अच्छा, 4O3 + 4O2, ठीक है। इसके अलावा आयोडाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है आपके पास में, और ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है आपके पास में 2OH- + I2 + O2, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा चीज़ क्या होता है कि ओजोन को एनालाइज कैसे किया जाता है, तो ओजोन को एनालाइज किया जाता है O3 को रिएक्शन करवाया जाता है I- से, तो O3 तो आ जाता है O2 में और I- चला जाता है I2 में, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ये ध्यान रखना बोरेट बफर यूज किया जाता है इसके लिए, सो दैट pH मेंटेन रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन, कितना 9.2, तो यहाँ से आपने I2 रिलीज करवा दी। उसके बाद में ये जो I2 है इस I2 को हाइपो से रिएक्शन करवाया जाता है, और हाइपो से रिएक्शन करवा के आपको ये रिएक्शन होती है, तो यहाँ से क्या किया जाता है कि हाइपो का कॉन्सेंट्रेशन नॉन है, और हाइपो का नॉन होगा तो आप I2 को मालूम कर लोगे, और I2 को जो I2 कितना है, जितना पिछले वाले रिएक्शन से I2 आया है, तो ये I2 मालूम हो गया, तो आपको ये I2 मालूम हो गया, और ये I2 मालूम हो गया, तो यहाँ से आपको ओजोन का अमाउंट मालूम हो गया। इस तरीके से क्वांटिटेटिव एस्टिमेट किया जाता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ध्यान रखना आयोडाइड के हेल्प से किया जाएगा, उसके बाद में आयोडाइड ऑक्सीडाइज होगा I2 में, I2 रिड्यूस होगा वापस किससे, हाइपो से, और जो बफर होता है वो होता है 9.2 pH का बफर होता है, और किसकी हेल्प से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है बोरेट बफर की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को NO को O3 ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, NO2 प्लस O2 में, तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, ये ओजोन से रिएक्ट करके ओजोन को डिप्लेट करता है, ठीक है। तो इसके चलते जो NO जो निकलती है किससे, NO निकलती है आपके पास में सुपरसोनिक जेट से, जो ऊपर में जो सुपरसोनिक जेट निकलते हैं वहाँ पे जो NO निकलती है वो ओजोन को डिप्लेट करती है, तो ये भी एक ओजोन डिप्लेशन का कारण है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये ठीक है, ये एक तो NO सुपरसोनिक जेट से ये ओजोन डिप्लेशन होता है, इसके अलावा ये एरोसोल स्प्रे से,
एरोसोल स्प्रे से इसका डिप्लेशन होता है। इसके अलावा जो सीएफसी होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनसे भी ओजोन का डिप्लेशन होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ क्या होता है, ओजोन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है, दोनों बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होती है, उसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो ओ प्लस माइनस ये, और इसी का इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा ओ ओ माइनस प्लस ये इस टाइप से इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। दोनों बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होती है, बॉन्ड लेंथ होती है आपके पास में 128 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होती है, और एंगल होता है आपके पास में 117 डिग्री बॉन्ड एंगल रहता है। और ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन की बात करें तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन रहता है क्या, sp2 ऑक्सीजन का हाइब्रिड, ये हाइब्रिडाइजेशन रहता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में इसका यूज की बात करो, ओजोन के यूजेज की यदि बात करो O3 का, तो जो मेन इसका यूज है वो है जर्मिसाइड है। ठीक है, इसके अलावा वाटर प्योरीफिकेशन में, क्यों, क्योंकि डिसइनफेक्टेंट है। जो वाटर वगैरह, जो बोतल होता है, उस पर कई बार लिखा होता है ओजोनाइज्ड वाटर। ठीक है, तो ओजोनाइज्ड वाटर का मतलब यही है कि इसके जर्म्स को ओजोन की हेल्प से किल किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए स्टरलाइजिंग वाटर से जर्म्स को किल करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये ब्लीचिंग एक्शन होती है इसके चलते, तो किस किस को ब्लीच करने में, ऑयल्स को, फ्लोर को ब्लीच करने में, स्टार्च को ब्लीच करने में, आइवरी को ब्लीच करने में। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके बहुत सारे काम है, और KMnO4 के प्रिपरेशन में इसका रोल है, KMnO4 के प्रिपरेशन में ओजोन को काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्या, सल्फर के एलोट्रॉप्स। अब सल्फर जो होता है आपके पास में मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म में, ध्यान रखना बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म में सल्फर एग्जिस्ट करता है, जिनमें दो एलोट्रॉप इंपॉर्टेंट है। पहला तो है आपके पास में रोम्बिक सल्फर, और इसी को बोलते हैं क्या अल्फा सल्फर, और इसी को बोलते हैं क्या येलो सल्फर। रोम्बिक सल्फर या येलो सल्फर, एक तो पहला एलोट्रोप तो ये है, और दूसरा एलोट्रोप है इसका मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फर, ये है इसका दूसरा एलोट्रोप। दो एलोट्रोप्स इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे एलोट्रोप हैं, और दोनों एलोट्रोप एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है, अल्फा और बीटा एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है। बिलो 369 केल्विन तो अल्फा स्टेबल होता है, और अबव 369 केल्विन बीटा सल्फर स्टेबल होता है। इसके चलते 369 केल्विन को बोला जाता है क्या, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसके सल्फर के दोनों एलोट्रोप्स को एक दूसरे में इंटरकन्वर्जन के। रोम्बिक सल्फर जो होता है येलो इन कलर, प्रॉपर्टीज की बात करें तो येलो इन कलर, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन का मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी 2.06 ग्राम पर ml, वाटर में इनसोल्यूबल, कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल, और अल्कोहल, बेंजीन और ईथर में पार्शियली सोल्यूबल। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन के लिए रोल सल्फर के सॉल्यूशन को इवेपोरेट करो किसमें, कार्बन डाई सल्फाइड में, तो ये इसके क्रिस्टल्स फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद में जो अगला एलोट्रोप है वो है आपके पास में मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर, मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन, डेंसिटी 1.98 ग्राम पर ml,
कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइसल्फाइड में ये सोल्यूबल होगा और प्रिपेयर किया जाएगा आपके पास में कि रोम्बिक सल्फर को, रोम्बिक सल्फर को मेल्ट कर लो एक डिश में, रोम्बिक सल्फर को एक डिश में मेल्ट कर लो और उसके बाद में कूल करो, कब तक है? टिल जब तक कि उसके ऊपर क्या बन जाए, क्रस्ट फॉर्म हो जाए। और क्रस्ट फॉर्म होने के बाद में क्रस्ट में दो होल कर दीजिए और क्रिस्टल में दो होल करने के बाद में रिमेनिंग लिक्विड को आप अलग कंटेनर में पोर कर लीजिए। टिल क्रस्ट इज फॉर्म देन इस टाइप से ये रहेगा, तो ऊपर में एक क्रस्ट बनेंगे, उसमें से दो आप होल कर लीजिए और होल करने के बाद में इसको पूरे को एक अलग कंटेनर में पोर कर लीजिए। उसके बाद में निडल शेप क्रिस्टल्स बनेंगे, इसके निडल शेप्ड क्रिस्टल्स बनेंगे, वो बनेंगे बीटा सल्फर के, ठीक है। तो इस टाइप से इसको प्रिपेयर किया जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या होता है इसके बारे में, दूसरा चीज़ ये होता है कि ये जो होता है आपके पास में ये 369 से ऊपर, 369 केल्विन से ऊपर जो स्टेबल होता है बीटा सल्फर, उसके नीचे स्टेबल होता है अल्फा सल्फर, और 369 केल्विन पे दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं और इसी के चलते 369 केल्विन टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। 369 केल्विन टेम्परेचर इज ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर जो है दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, दोनों में ही एस एट रिंग्स होती हैं, ध्यान रखिएगा दोनों में एस एट रिंग्स होती हैं। तो एस एट रिंग्स किस टाइप से होती हैं, एस एट रिंग्स होती हैं इस टाइप से क्राउन शेप के साथ में, एस 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 और ये एस, ये क्राउन शेप के साथ में एसिड रिंग्स होती हैं। और ये एसिड रिंग्स जो होती हैं अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अरेंज होती हैं, अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अरेंज होती हैं, तो अलग अलग टाइप के सल्फर देती हैं, उनमें अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर अलग अलग टाइप के, दोनों के क्रिस्टल्स अलग अलग होते हैं और क्रिस्टल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है दोनों में ही एसिड रिंग होता है क्राउन शेप के साथ में, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गए एसिड, इसके अलावा सल्फर और भी 6 से लेकर के 20 मेंबर तक की रिंग्स और भी बनती हैं सल्फर के केस में। इसी का एक वेल नोन एग्जांपल है एस सिक्स का जो शेप होता है वो चेयर शेप के साथ में होती है आपके पास में, एस 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 चेयर साथ के शेप, चेयर कन्फॉर्मर के साथ में एस सिक्स रिंग होती है, ठीक है। अच्छा, ये चेयर कन्फॉर्मर होता है इसका, और इसके अलावा 6 से लेकर 20 मेंबर तक की और भी रिंग बनती है, और हाई टेम्परेचर पे अबव 1000 केल्विन से ऊपर जो सल्फर होता है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। H2 जो होता है वो होता है आपके पास में पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक भी जस्ट लाइक O2, जैसे O2 का पैरामैग्नेटिज्म MOT से एक्सप्लेन किया जाता है, वैसे H2 का भी पैरामैग्नेटिज्म MOT से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड बनेगा ये वीक होता है, O2 जितना स्ट्रांग नहीं होता है, O2 केस में तो काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है। तो ये बातें रही आपके पास में सल्फर के एलोट्रॉप। SO2 का प्रिपेरेशन करने के लिए तरीका सिंपल है, आप सल्फर को कंबंस कर दीजिए तो SO2 मेनली बनता है, 92 से 94% तक SO2 बनता है, और रेस्ट थोड़ा बहुत आपके पास में 6 to 8% जो बनता है वो SO3 बनता है। तो किसी भी सल्फर को आप डायरेक्टली कंबंस करेंगे तो SO2 आपको मेजर प्रोडक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी सल्फाइड ओर की आप रोस्टिंग करोगे तो भी आपको SO2 मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी सल्फाइड सॉल्ट को, किसी सल्फाइड सॉल्ट को आप एसिडिफाई करोगे तो भी SO2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से SO2 को प्रिपेयर किया जाता है, और ध्यान रखना SO2 को स्टोर किया जाता है किसमें, स्टील सिलेंडर्स में SO2 को स्टोर किया जाता है। प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो कलरलेस है, गैस है, कलरलेस है, स्मेल है इसकी पंजेंट स्मेल है, वाटर में सोल्यूबल है, और वाटर में सोल्यूबल होने का कारण ये है कि जब इसको SO2 को वाटर में पास किया जाता है तो ये H2SO3 में कन्वर्ट होता है, और H2SO3 फर्दर आयन है जो कि H+
एच एस ओ थ्री माइनस में टूट जाता है। तो ये एच टू एस ओ थ्री, यहाँ से ध्यान रखना कि ये जो एच टू एस ओ थ्री है ये डाई बेसिक है, इसका जो बेस सेट है वो टू इसका डाई बेसिक है, और ये इसमें एस ओ टू वाटर में डिजोल्व होने के बाद में एच प्लस दे रही है, इसके चलते ये एसिडिक गैस है आपके पास में, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे एस ओ टू लिक्विफाई हो जाती है, कब? जब 2 atm का प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, और यदि 1 atm पे इसको लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर ये 263 केल्विन पे 1 atm पे लिक्विफाई होती है, और रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पे 2 atm प्रेशर से लिक्विफाई होती है। तो 1 atm पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 263 केल्विन, 273 से थोड़ा कम, ठीक है। एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस है तो बेस से रिएक्शन करती है, NaOH से SO2 रिएक्शन करेगी और NaH SO3 फॉर्म कर सकता है, लेकिन दो NaOH से, टू NaOH से रिएक्शन कर देगा तो टू से रिएक्शन करेगा तो Na2SO3 प्लस H2O इस तरीके से रिएक्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट Na2SO3 से यदि आप और ज़्यादा SO2 सप्लाई करोगे तो ये दे देगा आपके पास में 2NaHSO3, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेरा कंक्लूजन यह इन सब चीज़ों का कि ये एसिडिक गैस है। रिएक्शन वाइज SO2 की जो बहुत सारी सिमिलरिटी शो करता है वो SO2 सिमिलरिटी शो करता है किससे? CO2 से। इवन दोनों ही गैसेस के लिए लाइम वाटर टेस्ट काम कर जाता है। लाइम वाटर टेस्ट मेनली CO2 के लिए होता है, लेकिन ध्यान रखना लाइम वाटर टेस्ट CO2 के अलावा SO2 के लिए भी होता है, ठीक है। SO2 की रिएक्शन की मैं बात करूँ तो क्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है, लेकिन कैटलिस्ट चाहिए होता है कौन? चारकोल, और क्लोरीन से रिएक्शन करके बनाता है क्या? SO2 Cl2, ठीक है। SO2 एयर के ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होके SO3 देता है, और इसके लिए कैटलिस्ट होता है आपके पास में क्या? वेनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। मोइस्ट SO2 जो होती है, मोइस्ट SO2 जो होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। किस किस को रिड्यूस कर सकती है? आयरन 3 प्लस को SO2 रिड्यूस करके आयरन 2 प्लस में और खुद कन्वर्ट हो जाती है सल्फेट में, ठीक है। इसके अलावा परमैंगनेट को, एसिडिक परमैंगनेट को SO2 रिड्यूस करके एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में और खुद कन्वर्ट हो जाती है SO4 2 माइनस में, इसको ये रिड्यूस कर सकती है। शेप की बात करें तो ये आपके पास में इसका मॉलिक्यूलर शेप की यदि मैं बात करूं तो S ये लोन पे है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस टाइप से इसका बैंड शेप होता है। यदि मैं इसको इस टाइप से बनाऊं तो इसी का ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ये हाइब्रिड होता है, बैंड शेप होता है इसका, या आप बोल सकते हो कि इसका वी शेप होता है, ठीक है। अच्छा, इसके यूजेज की बात करूँ तो इसके जो यूजेज होंगे, सबसे पहला यूज तो होगा कि H2SO4 को सिंथेसाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेट्रोलियम और शुगर की रिफाइनिंग में ब्लीचिंग एक्शन होता है वुल और सिल्क पे। एंटी क्लोर एजेंट होता है, मतलब किसी से भी क्लोरीन को ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एंटी क्लोर एजेंट है, डिसइंफेक्टेंट है, प्रिजर्वेटिव है। H2SO4 की प्रिपरेशन में, Na2SO3 की सिंथेसिस में, सोडियम सल्फाइड की, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की NaHSO3, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड CaHSO3 का ट्वाइस, ये सब इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स है इनके सिंथेसिस में काम में लिया जाता है। इसके अलावा आपके पास में ये सॉल्वेंट होता है, लिक्विड SO2 सॉल्वेंट होता है, किसके लिए? मैनी ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सॉल्वेंट का भी ये काम करता है। अगली चीज आती है आपके पास में ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के लिए बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, उनमें कॉमन है आपके पास में H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा होता है आपके पास में पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका दूसरा नाम होता है आपके पास में ओलियम। इसके अलावा और होता है आपके पास में प्रोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO2 प्रोक्सी
डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा होता है आपके पास में H2SO5 परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड का नाम होता है, ध्यान रखिए, कारोस एसिड इसको भी बोलते हैं, परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड को मार्सल्स एसिड बोलते हैं। परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड तो हो गया कारोस एसिड, और परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपके पास में मार्सल एसिड। तो ये इतने सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं सल्फर के, ध्यान रखना सबको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, सबको आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, कुछ को आइसोलेट कर सकते हैं, कुछ को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ इनमें से स्टेबल भी नहीं है, सम ऑफ दी ऑक्सो एसिड्स आर अनस्टेबल। यदि इनके कुछ एक की स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो H2SO3 की बात करूँ तो इसमें लोन पेयर रहेगा, OH दो एसिड का हाइड्रोजन इसमें होंगे तो इसकी बेस चट्टी होगी 2। सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो SO OH ये होगा आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड। यदि परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ तो OH परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो OH ये हो जाएगा आपके पास में परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास में बहुत सारे होते हैं, कुछ जैसे ये SO OH ये हो जाएगा आपके पास में SSSX करके ये ये थायो एसिड्स का सीरीज ये बोलते हैं, इसमें जब सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड आ जाएगा तो थायो एसिड्स का ये सीरीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा थायो सल्फ्यूरिक एसिड SSO OH मतलब H2SO3 ये हो जाएगा आपके पास में थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखिए जब भी थायो नाम यूज होगा तो सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड होगा, ये सब थायो एसिड्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास में काफ़ी सारे ऑक्सीएसिड्स होंगे सल्फर के। इन ऑक्सीएसिड्स के बारे में, इन ऑक्सीएसिड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम स्टडी करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो प्रिपरेशन की बात करें तो इसको ध्यान रखना प्रिपेयर करने के लिए बनाया जाएगा किससे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले सल्फर या किसी सल्फर के ओर को जैसे FeH2 हो गए, इसको एयर से बर्न किया जाता है तो SO2 बनती है। इसको एयर से बर्न किया जाएगा तो Fe2O3 जो तो सॉलिड रहेगा और साथ में निकल कर के आए क्या SO2, तो ऐसे SO2 बनाया जाता है, ठीक है। अब इस SO2 में से इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है, आर्सेनिक इम्प्योरिटीज इसमें होती हैं, प्लस आर्सेनिक इम्प्योरिटी इसमें होती हैं, इन आर्सेनिक इम्प्योरिटी और डस्ट वगैरह को रिमूव किया जाता है Fe2O3 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो जिलेटिनस इसका अपीयरेंस होता है, इसमें एब्जॉर्ब करके इन इम्प्योरिटीज को तो उठा लिया जाता है और यहाँ से निकल करके आता है कौन SO2। इसके बाद में इस SO2 को ऑक्सीडाइज किया जाता है और कैटलिस्ट होता है, ध्यान रखना V2O5 ये कैटलिस्ट आप जरूर ध्यान रखना, ये V2O5 भी लिखा होता है कई बार प्लेटिनाइज्ड, प्लेटिनम के ऊपर V2O5 का कवरिंग होता है, प्लेटिनाइज्ड वेनेडियम पेंटोक्साइड होता है, यहाँ से इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो यहाँ से बनेगा SO3 और इस SO3 को एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है किसमें H2SO4 में और यहाँ से बनेगा H2SO7 जिसको बोलते हैं क्या ओलियम, और ओलियम को डाइल्यूट करते हैं H2SO7 को वाटर से, जब डाइल्यूट करते हैं तो बनता है आपके पास में H2SO4। तो इस टाइप से कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसको प्रिपेयर किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में ध्यान में रखना, कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटोक्साइड और आर्सेनिक इम्प्योरिटीज और डस्ट वगैरह को एब्जॉर्ब हटाने के लिए जिलेटिनस ऑक्साइड जो होगा वो कैटलिस्ट होगा, ठीक है। जो की रिएक्शन है यहाँ पे वो है SO2 का ऑक्सीडेशन SO3 में,
ठीक है। इसके लिए जो डेल्टा एच होता है वो -196.6 किलो जूल होता है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो सुटेबल टेम्परेचर है लो टेम्परेचर, लेकिन लो टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी कम हो जाती है, जिसके चलते इतना लो टेम्परेचर नहीं रख के रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है। कितने पे? 720 केल्विन पे रिएक्शन को प्रोसीड करवाया दिया जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैसेज स्पीसीज कम हो रहे हैं, इसके चलते हाई प्रेशर रखा जाता है, और हाई प्रेशर के चलते दो बार का प्रेशर यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा, टू बार यहाँ पे प्रेशर रखा जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है उसकी प्योरिटी होती है 96-98% प्योरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ की यदि इसकी मैं बात करूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं आपके पास में ये कलरलेस होता है, कोई कलर इसके पास में नहीं होता है, कलरलेस होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंस होता है, कितनी होती है 1.84 ग्राम पर एमएल इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। ऑयली इसका अपीयरेंस होता है, कलरलेस, डेंस, ऑयली और लिक्विड होता है, ये इसका प्रॉपर्टीज होता है। फ्रीजिंग पॉइंट की यदि बात करो तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 283 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 611 केल्विन, तो ये वाइड रेंज में आपके पास में ये लिक्विड रहता है, ठीक है, वाइड रेंज में ये लिक्विड रहता है। लिक्विड होने का वाइड रेंज इसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। वाटर में ये डिजोल्व हो जाता है, और वाटर में जब डिजोल्व होता है, जब H2SO4 को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ध्यान रखिएगा, वाटर में डिजोल्व होते टाइम पे ये H+ + 2H+ + SO4 - आयोनाइज हो जाता है, और ये आयोनाइजेशन होता है वो हाईली एक्जोथर्मिक होता है, और हाईली एक्जोथर्मिक होता है जिसके चलते बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है, और ये हीट इवॉल्व होती है जिसके चलते कई बार एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, जिसके चलते इसको लिए ये होना चाहिए कि वाटर में H2SO4 ऐड किया जाना चाहिए, ये प्रॉपर तरीका है, और H2SO4 में वाटर ऐड नहीं किया जाना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे कई बार एक्सीडेंट हो सकते हैं, बर्निंग वगैरह हो सकती है। तो वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 ऐड किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ इस सॉल्यूशन को लगातार स्टिर करते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़, इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो तीन कारण से है। पहला तो आपके पास में लो वॉलेटिलिटी इसकी कम है, दूसरा है आपके पास में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तीसरा है आपके पास में डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, और तीसरा है आपके पास में ये एसिडिक इसका करेक्टर। चार तरीके से इसकी किन किन चार वजह से इसकी रिएक्टिविटी, किन चार फैक्टर से इसकी रिएक्टिविटी गवर्न होती है, ध्यान में रखना, लो वॉलेटिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, डिहाइड्रेटिंग एक्शन और एसिडिक नेचर, इन चार चीज़ों से इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो गवर्न होती हैं, ठीक है। तो ये जो एसिडिक के करेक्टर की मैं बात कर लेता हूँ, तो इसका जो एसिडिक करेक्टर होता है तो ये बेसिडिटी इसकी 2 होती है, 2 स्टेप में आयनाइज होता है, तो H2SO4 पहले होता है H+ + HSO4-, तो K1 होता है आपके पास में 10, उसके बाद में HSO4- फर्दर आयनाइज होता है H+ + SO4-, तो K2 होता है आपके पास में 10^-2 के ऑर्डर का। तो ध्यान रखना है H2SO4 एक अकेला ऐसा एसिड है जिसका फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकंड आयनाइजेशन दोनों ही स्ट्रांग है, फर्स्ट आयनाइजेशन भी स्ट्रांग है, सेकंड आयनाइजेशन 10^-2 ये वीक नहीं है, ये भी स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा, तो ये दो इसका बेसिडिटी है, तो दो टाइप के सॉल्ट फॉर्म करता है, एक तो सल्फेट सॉल्ट बनाता है SO4-, दूसरा हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट HSO4- टाइप के ये सॉल्ट फॉर्म में करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे सल्फेट Na2SO4 टाइप से सोडियम सल्फेट, एक हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट, इस टाइप के दो टाइप के सॉल्ट फॉर्म में करता है, ठीक है। और लो वॉलेटिलिटी के चलते अदर एसिड्स इससे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, MX को आप H2SO4 से रिएक्शन करवाया तो आप MHSO4+HX इस टाइप से आप यहाँ पे और कोई एसिड आप बना सकते हो। तो जैसे आपको और कौन कौन सा, आप HCl इजीली बना सकते हो, यदि MCl होता तो HCl बना लेते यहाँ पे, यदि आप MF होता तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देते, यदि MNO3 होता तो HNO3, ये सब एसिड आप इजीली इस तरीके से आप सिंथेसाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और प्रॉपर्टी होती है आपकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग
एजेंट होता है, लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जब ये कौन सी कंडीशंस में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है ये, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इवन कार्बोहाइड्रेट के अंदर से, फॉर एग्जांपल सुक्रोज की बात करें तो C12H22O11, इसको जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास किया जाता है तो ये 12C इससे पूरा पूरा वाटर को ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो बहुत स्ट्रांग इसका डिहाइड्रेटिंग एक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है H2SO4 का वो H3PO4 से तो स्ट्रांग है लेकिन HNO3 से वीक है, तो सफिशेंटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है ये ऑक्सीडाइज कर सकता है कॉपर को, कॉपर प्लस H2SO4 रिएक्शन होती है आपके पास में CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, बैलेंस करोगे आपके पास में 2H2SO4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2H2O, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा H2SO4 और ये दे देगा आपके पास में 3SO2 प्लस 2H2O, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन प्लस H2SO4 और ये दे देगा आपके पास में CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो ये चार तरीके से इसकी रिएक्शन हो गई। कौन कौन से तरीके से? एक तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से अदर एसिड्स सिंथेसाइज किया जा सकते हैं, दूसरा इसका हो गया आपके पास में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तीसरा एसिडिक करेक्टर इसका है उसके चलते, और चौथा आपके पास में डिहाइड्रेटिंग एक्शन के चलते, तो चार तरीके से ये रिएक्शन कर गया। इसके पास में सल्फ्यूरिक एसिड की यदि मैं यूजेज की बात करूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल ये आपके पास में है। कोई नेशन इंडस्ट्रियली कितनी स्ट्रांग है इस चीज़ का जजमेंट इसी बेसिस पे होता है कि वो कंट्री या वो नेशन कितना H2SO4 प्रोड्यूस कर रहा है और कितना H2SO4 वो कंज्यूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर केमिकल्स में या ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्री में H2SO4 वाइडली यूज होता है, ठीक है। तो वन बाई वन में इसके यूजेज की बात करूँ तो H2SO4 से एक तो फर्टिलाइजर बनते हैं अमोनियम फॉस्फेट, आप सुनते जाइए अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये तो फर्टिलाइजर बनाने के में, इसके अलावा पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, पिगमेंट्स पेंट डाइस वगैरह बनाने में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका काम में आता है, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन होते हैं इसके बहुत सारे, और इसके अलावा स्टील का गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनेमलिंग वगैरह करने में, इसके अलावा नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट वगैरह बनाने में, और लेबोरेटरी रिएजेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब एरोमेटिक कंपाउंड का हम नाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे भी H2SO4 एज कैटलिस्ट हमको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब बातें रही आपके पास में किसकी? H2SO4 की। तो यहां तक मैंने आपको पूरा कवर कर दिया क्या ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है। थैंक यू।